और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, नागपुर से खबर है जहां आरएसएस मुख्यालय में आज विजयदशमी का त्यौहार बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। विजयदशमी पर आरएसएस की विशेष पूजा अर्चना, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को संबोधित भी किया और हिंदुओं को कमजोर नहीं होना चाहिए इस बात का जिक्र किया। कई शक्तियां भारत विरोधी हैं, भारत को दबाने की साजिश की जा रही है और लोगों को धर्म का सही अर्थ पता होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार हुआ, हिंदुओं पर भारत की तरक्की पर कुछ लोगों को परेशानी है, भारत की साख दुनिया में बढ़ी है, राष्ट्रीय चरित्र के बलबूते ही देश बड़ा होता है। तो विजयदशमी के मौके पर ये खास तस्वीरें सामने आई हैं नागपुर से। क्या हुआ उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है, परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इसराइल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता